नमस्कार साथियों, क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा है कि पहले वो रिजेक्ट हो जाए और उसके बाद में अंडर प्रोसेसिंग हो? निश्चित रूप से यदि आप किसी से पूछेंगे तो वो ना ही कहेगा, लेकिन सारा रिफंड पोर्टल के मामले में ऐसा मामला हुआ। परसों जो है सारा रिफंड पोर्टल में जो है अधिकतर फार्म रिजेक्ट होने की जो है वहाँ पर चर्चा हुई, और ये बाकायदा जो है वो स्क्रीन पर भी शो हो रहा था। अधिकतर जो फार्म जमा हुए हैं ऑनलाइन, जो सहकारिता मंत्रालय ने जमा कराए हैं, वो अधिकतर फार्म जो है रिजेक्ट होना जो है स्क्रीन पर शो हो रहा था सारा रिफंड पोर्टल में। और जब खबरें चली डिजिटल मीडिया पर और दिल्ली दर्पण टीवी पर भी जो है वो फार्मों के रिजेक्ट होने की खबर चली, तो कल जो है सारा रिफंड पोर्टल पर जो फार्म रिजेक्ट दिखाए जा रहे थे वो अंडर प्रोसेसिंग दिखाए जाने लगे। जी हाँ, ये जो मामला है, देखिए जो सारा के निवेशक हैं उन्हें इस मामले को जो है पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये जो मामला है आज की तारीख में सारा रिफंड पोर्टल, ये सीधा सीधा जो है वो चुनावी लॉलीपॉप है। और ये जो रिजेक्ट फार्म दिखाए जा रहे थे वो निश्चित रूप से किसी न किसी खामी को लेकर वो पोर्टल ने रिजेक्ट किए होंगे, लेकिन जब इतने सरकार को ये मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सरकार तो 5,000 करोड़ रुपया देकर जो है भारतीय जनता पार्टी निवेशकों को उनकी सहानुभूति बटोरना चाहती है, क्योंकि 13 करोड़ जो है वह निवेशक हैं सारा के, और जो भारतीय जनता पार्टी जो है उन 13 करोड़ निवेशकों को नाराज नहीं करना चाहती। यदि 13 करोड़ निवेशक हैं तो निश्चित रूप से 25-30 करोड़ जो हैं वोट हैं इन निवेशकों के, तो 25-30 करोड़ वोटों को, मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह हुई कि जो फार्म जो है वो रिजेक्ट दिखाए जा रहे थे वो अंडर प्रोसेसिंग दिखाए जाने लगे। अब ये देखना आपकी जो परसेंटेज है रिजेक्ट का वो बहुत कम हो जाएगा, कि केंद्र सरकार जो है अब ये अपने दिमाग में रखकर चल रही है, ये रणनीति केंद्र सरकार की बनी होगी कि 10,000 रुपये तो अधिकतर निवेशकों को दे दिए जाएँ और 5,000 करोड़ रुपये जो हैं वो सेबी से जो रिलीज कराए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो चुनाव से पहले पहले निवेशकों को दे दी जाए। यदि उसमें तकनीकी खामियों के चलते इस तरह के मैसेज आते हैं कि साहब फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर जो है वो आरोप लगता है सुब्रत राय को बचाने का, और वो आरोप लग भी रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो अब जो है और बुराई नहीं लेना चाहती है निवेशकों की। इस मामले में जो है आपको ये ऐसे भी समझना पड़ेगा कि सुब्रत राय ने जो है अब तक जितने आंदोलन हो रहे थे, जितने आरोप लगाए जा रहे थे, वो सुब्रत राय पर लगाए जा रहे थे, सारा पर लगाए जा रहे थे, लेकिन सुब्रत राय ने ये हथकंडा ऐसा अपनाया कि अब वो सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाने लगे हैं। वो सारे जो है निवेशक जो हैं वो केंद्र सरकार पर नाराज़ हैं। 5,000 करोड़ का ये जो मामला है, जिस तरह से गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बोला कि भाई ये 10,000 के बाद में हम 15,000 भी करेंगे, 20 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, और एक तरह से जो 2024 के चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने जो ये चुनावी लॉलीपॉप जो है निवेशकों को पकड़ाया है कि ये अब जो है उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार को। तो अब जो है सारा रिफंड पोर्टल से मैक्सिमम पैसा जो है वो सारा निवेशकों को दे देना चाहती है केंद्र सरकार। फिर भी 2-3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है सारा निवेशकों का, और जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं लगभग 20 लाख करोड़ का जो है वो भुगतान बताया जा रहा है सारा पीड़ितों के साथ में, जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके पीड़ितों का, और 42 करोड़ जो निवेशक हैं वो देश में बताए जा रहे हैं जो पीड़ित हैं। तो ऐसे में सारा रिफंड पोर्टल खोलने के बाद में और एक भी बात जो है सामने आ रही है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो है वो 8,000 का पोर्टल जो है सरकार लॉन्च करने जा रही है। तो इससे अब जो है सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव ये बन चुका है कि जो और दूसरी
ठगी कंपनियां हैं उनके पैसे पर भी सरकार गंभीर हो और चुनाव से पहले पहले जो है अब केंद्र सरकार को सारे निवेशकों का भुगतान कराना पड़ेगा और यदि भुगतान नहीं केंद्र सरकार करा पाती है तो जितने निवेशक हैं देश भर में 42 करोड़ निवेशकों ने ऐलान कर दिया है कि भुगतान नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं। और 42 करोड़ निवेशक यदि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भले विपक्ष जो है वो तख्ता पलट ना कर पाए, भले ही विपक्ष जो है बदलाव नहीं कर पाए, लेकिन इसमें देश में जो निवेशक हैं वो बदलाव करने की स्थिति में है। अब देखना ये होगा कि सारा रिफंड पोर्टल पर जो अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है तो इस आने वाले समय में कितने फार्म रिजेक्ट होते हैं और कितने फार्म सही साबित होते हैं और कितना पैसा निवेशकों को इस चुनाव से पहले मिल पाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।